ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है किरदार पेश करने की। किरदार हैं कादर और फिल्म है तड़ी पार। आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। किरदार में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म तड़ी पार और इसके एक अहम किरदार कादर खान की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क की जानी मानी फिल्म क्रिटिक और हमार सिनेमा के एडिटर गीता सिंह। गीता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। गीता जी, तड़ी पार एक ऐसी फिल्म में शुमार होती है जिसे दर्शकों ने बॉक्स ऑफिस पर तड़ी पार करा दिया। तड़ी पार 1993 में आई फिल्म थी और महेश भट्ट की फिल्मोग्राफी में ये एक ऐसी फिल्म है जिसे वो शायद इस पे कम बात करना चाहेंगे। और महेश भट्ट ने ये फिल्म अपनी बेटी को बतौर हीरोइन स्टैब्लिश करने के लिए बनाई और उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती का जमाना चल रहा था, उनकी फिल्में सुपरहिट हो रही थी, तो उन्होंने उन्हें ही बतौर हीरो इसमें लिया। बिखरे जुल्फों को सजाने की इजाजत दे दो, बिखरे जुल्फों को सजाने की इजाजत दे दो। सिंगल थिएटर का जमाना रहा होगा वो, तो क्या उसको मद्देनजर रखते हुए महेश भट्ट ने ये फिल्म बनाई? महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा भट्ट को एक वर्सेटाइल हीरोइन का एक टैग देना चाहते थे, तो इससे पहले पूजा भट्ट ने जितनी भी उनकी फिल्में की कहीं ना कहीं वो एक पैम्पर्ड बेटी के रूप में नजर आई या फिर अपने पिता के साथ अलग संबंधों के तौर पर बड़े पर्दे पे दिखती हुई नजर आई। इस फिल्म में उन्हें डबल रोल दिया गया, उनको एक प्रॉपर हीरोइन के तौर पर लाने की महेश भट्ट की कोशिश थी जो नाचती गाती है और रोमांस करती है। तो उस वक्त मैंने जैसा कहा कि मिथुन चक्रवर्ती अच्छे खासे चल रहे थे, तो ये मिथुन चक्रवर्ती के साथ महेश भट्ट की पहली फिल्म थी। कादर खान के किरदार में अनुपम खेर कितनी अपनी छाप छोड़ पाए? कादर के किरदार में अनुपम खेर अपनी छाप नहीं छोड़ पाए क्योंकि उस किरदार में बहुत लाउड हो गए थे और उन्होंने अपना जो लाउडनेस थी जो उनकी कई किरदारों में आती है, कॉमिक टाइमिंग को नहीं वो संभाल पाते हैं, तो वो पूरी तरह से नजर आई थी। अब एक सवाल का जवाब दो कि तुम्हें मैंने यहाँ क्यों रखा है कादर भाई, आपकी और इस जगह की हिफाजत करने के लिए। तुमने हिफाजत की? अरे कादर भाई, विधवा औरतों की तरह ताने मत मारा करो। फिल्म की कहानी एक्शन पैक रखने की कोशिश की थी और एक मसाला फिल्म महेश भट्ट ने बनाई थी जो महेश भट्ट के जो अपनी आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाती है, उनके जो थॉट्स हैं उससे मेल नहीं खाती है, उन्होंने खुद मसाला फिल्म डायरेक्ट की। सब मेरे ऊपर हाथ रखो और कसम खाओ, हम चारों कादर भाई की कसम खाते हैं, कादर भाई की कसम खाते हैं कि शंकर तड़ी पार की एक हड्डी तोड़कर मुझसे नमक हरामी का बदला लेंगे। गुड। हॉलीवुड की फिल्मों की शातिराना चोरी का इल्जाम अक्सर महेश भट्ट पर लगता रहा है, आप क्या कहते हैं? हॉलीवुड की फिल्मों की चोरी तो लगभग सबने की है, लेकिन महेश भट्ट पे सबसे ज्यादा इल्जाम इसलिए लगता रहा है कि वो अपने आप को इन सब से थोड़ा अलग दिखाते रहे हैं, एक अपनी फिलॉसफी को सामने रखना चाहते थे फिल्म मेकिंग में, पर उसके बाद वो फ्रेम दर फ्रेम उनके यहाँ फिल्मों में जब चोरी नजर आती है तो इसलिए उनपे ज्यादा इल्जाम लगते हैं। गीता जी, नदीम श्रवण का म्यूजिक था। फिल्म का म्यूजिक भी ठीक ठाक रहा है, ऐसा नहीं कि फिल्म का म्यूजिक अच्छा नहीं था, 2-3 गाने अच्छे बने थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ पूजा भट्ट की जोड़ी बिल्कुल नहीं चली और दर्शकों से डाइजेस्ट नहीं हो पाई, तो शायद यही कारण था कि फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। तो गीता जी, आप मानती हैं कि सलमान खान जो है आज के दौर के सुपर हीरो, वो कहीं ना कहीं मिथुन चक्रवर्ती के एक्सटेंशन है? कमाल करते हो यार, पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठुकाई अलग से, और इस पुलिस वाले ने अगर तुम्हें ठोका तो प्रमोशन अलग से और बहादुरी का मेडल भी। सलमान खान मिथुन चक्रवर्ती के एक्सटेंशन तो नहीं कह सकते हैं हम,
लेकिन वो भी उसी तरीके का एक अपना मैनरिज्म लेकर आते हैं, एक अपना बॉडी लैंग्वेज देते हैं जो बड़ा रॉ, एक टपोरी काइंड, जो टपोरी स्टाइल में जितने भी हीरो आए और उन्होंने अपने आप को बेबाक तरीके से पर्दे पे रखा, तो वो सबके जबरदस्त फैन मेल हुए। उसमें मिथुन चक्रवर्ती भी आते हैं, गोविंदा भी आते हैं, सलमान खान भी आते हैं। शुक्रिया गीता जी हमें तड़ी पार कराने के लिए। आज के किरदार में बस इतना ही, आपसे फिर होती है मुलाकात एक नए किरदार में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप हमसे इस पते पर राब्ता कायम कर सकते हैं। यकीन मानिए आपका हर एक मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। एक पल गमों का दरिया, एक पल खुशी का दरिया, रुकता नहीं कभी भी ये जिंदगी का दरिया। इस दिल की वादियों में अब खाक उड़ रही है, बहता यहां था पहले एक आशिकी का दरिया। किरणों में है लहरें या लहरों में है किरणें, दरिया की चांदनी है या चांदनी का दरिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही, आपसे फिर होती है मुलाकात इतवार की सुबह ठीक 11:30 बजे इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप ब्राह्मण अपनी को होस्ट साइमा खान और एनटीआई टीवी की पूरी टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी में है।